दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी, अगर कोरोना का पूरा दौर देखा जाए, कोविड-19 का, जब से संक्रमण अपने देश में हुआ तो मार्च 2020 से लेकर अब तक कुल 8 बार उन्होंने तकरीबन 13 महीने में 8 बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया। हम पिछले उनके संबोधनों की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कल यानी मंगलवार को जो उनका संबोधन 8:45 पर शाम को आया, वह 19 मिनट के आसपास चला और वो पहली दफ़ा जितने संबोधन अब तक उन्होंने किए हैं हाल के दिनों में, पहली दफ़ा वो कुछ ऐसी ठोस बात कहे बगैर उन्होंने अपने संबोधन का समापन कर दिया। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर नई बात क्या कही गई है। जब देश में श्मशानों पर लाइन लगी हुई है, कब्रिस्तानों में लाइन लगी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर की बात तो बहुत दूर है, लोगों को गलियारे में किसी तरह से लिटाया जा रहा है, अगर वहाँ की सरकार, वहाँ का राज्य प्रशासन या अस्पताल का प्रशासन थोड़ा संवेदनशील है तो कईयों को मैंने देखा कि गलियारे में बेड लगा रहे हैं। ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कहीं, वो स्थितियों की गंभीरता को किस हद तक एड्रेस करने वाली थी। क्या इस देश का कोई भी स्वतंत्र सोच का नागरिक वाकई उनकी बात से संतुष्ट हुआ? क्या किसी को जवाब मिला कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था इन तकरीबन एक साल में क्यों ये देश नहीं कर सका? उन्होंने स्वयं, उनकी सरकार ने कहा था कि वो 162-163 के आसपास ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाएंगे जहां से मेडिकल सुविधा के लिए गैस उत्पादन हो सके। जो जानकारी है और पब्लिक डोमेन में है कि सिर्फ 33 प्लांट लगे हैं, और जबकि दूसरी तरफ अगर पूरे देश पैमाने पर देखा जाए तो सिर्फ एक ऐसा प्रदेश है जो ऑक्सीजन के उत्पादन में, वितरण में और अपने अस्पतालों को सप्लाई करने में न केवल इंडिपेंडेंट है बल्कि वो कर्नाटक और तमिलनाडु को भी सप्लाई कर रहा है, और वो एक छोटा सा प्रदेश है केरल। क्यों? क्योंकि केरल में उन्होंने समझा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व होगा इस संक्रमण के दौर में। उन्होंने यूरोप से लेकर अमेरिका तक जितने असेसमेंट आए थे उसकी रोशनी में पहले ही उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन के प्लांट्स को एक्सपेंड करने, इस पर काम किया। और आज वहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो मांग है, आपूर्ति उससे दुगुनी है। ये आप कल्पना कर लीजिए कि एक दक्षता किसे कहते हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कल के व्याख्यान का, कल के उनके भाषण का, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को बचना है, यानी बचाना होगा, देश एफोर्ड नहीं कर सकता है लॉकडाउन। और उन्होंने तब कहा जब प्रतिदिन जो कोरोना केसेज आ रही हैं वो तकरीबन 294,000-295,000 के आसपास हैं, यानी 294,000-295,000, और जो डेथ हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये आंकड़े सच नहीं हैं, वो हार्डली 2300-2400 बताया जा रहा है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग, 2300 कल आया था। तो ये जो आंकड़े हैं, अगर इनको ही केवल प्रामाणिक माना जाए तो भी दोस्तों आप याद कीजिए 2020 के मार्च महीने में, 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया था, इस देश की किसी भी राज्य सरकार से पूछे बगैर, कोई मशविरा किए बगैर,
अपने कैबिनेट के मंत्रियों से भी मशविरा उन्होंने नहीं किया था। किन लोगों से मशविरा किया था आज तक इसका रहस्योद्घाटन सरकार ने नहीं किया, लेकिन उस वक्त जब किया गया था तो अपने देश में कितनी केसेस थी, 25 मार्च 2020 को कोरोना की कुल केसेस थी 618, और मौतें कितनी हुई थी 13, और उस पर देशव्यापी लॉकडाउन। कल्पना कर सकते हैं आप कितनी तबाही मचाया था उस लॉकडाउन ने। सैकड़ों लोग मरे थे, वे मजदूर, वे गरीब लोग जो अपना काम धाम छोड़ करके गांव की तरफ भागने लगे। उनके पास कुछ भी नहीं था, न उनको मुहैया कराई गई ट्रेन ठीक से, न उनको बसेज मुहैया कराई गई, और उनको कोई मुआवजा भी नहीं किया गया मुहैया। तो आपने 618 लोगों की मौत के केसेस के बाद, 618 केसेस कोरोना की जब रिपोर्ट हुई थी, तो आपने देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया, और 295,000 केसेस जब हो रही हैं, 94,000 केसेस हो रही हैं, और मौतें प्रतिदिन 2,000 से ज़्यादा हैं, शायद ये संख्या और बढ़ जाए अगर प्रामाणिक ढंग से ज़्यादा सूचनाएं सही रिपोर्ट की जाएं, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तब आपने कहा कि लॉकडाउन बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए और ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। आपने राज्य सरकारों को कहा कि वो इसको न आजमाएं और दूसरे तरीके खोजें। एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही और मैं समझता हूँ कि वो काबिले गौर है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी है? हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, जांच नहीं हो रही है। मैं कई ऐसे प्रदेशों को गिना सकता हूं, लेकिन चूंकि आप अखबार में पढ़ चुके हैं ये सारी कहानियां, आप टेलीविज़न पर तो ये खबरें खैर नहीं आती हैं, लेकिन अखबारों में आती हैं, और जानते हैं कि भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के कई प्रदेशों में इस वक्त कोरोना की जांच को भी नियंत्रित कर लिया गया है। यानी अगर कोई पेशेंट लग उसको रहा है कि हमें कोरोना हो गया है, तो वो अगर जांच भी कराने जाता है तो उसे 4-5 दिन के बाद ही रिपोर्ट मिलती है, और कई बार तो उसको वापस लौटा दिया जाता है, जाँच ही नहीं हो पाती है। तो ये स्थिति है उस दौर में जब वैक्सीन का मामला चल रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऑक्सीजन पर बात करने के बजाय अचानक इन दिनों मैं देख रहा हूं टेलीविजन चैनलों पर, जिनका मिजाज एक खास तरह का है, वो रेमडेसिविर की बात वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि ये इसकी खुराक कैसे मिलेगी, इसको इसका इंजेक्शन कैसे मिलेंगे, इसको मुहैया कराया जाए, सब कुछ सरकार ने ठीक कर दिया है, अब ये इंजेक्शन उपलब्ध है। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर गुलेरिया, और देश के और बड़े बड़े जितने डॉक्टर हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ओम शंकर, ये तमाम डॉक्टर्स जो देश के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना का इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी प्रामाणिकता अभी तक साबित नहीं हुई है, क्योंकि ये दूसरे मामलों के लिए ईजाद किया गया था। और जो अभी तक भारत सरकार की जो टास्क फोर्स है कोरोना पर, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान, उसके डॉक्टरों ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो पब्लिक डोमेन में, वो सारे के सारे रिकमेंडेशंस हैं, हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम लोगों को अस्पताल क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? हम बेड और ऑक्सीजन वेंटिलेटर क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या अपनी विफलता को छुपाने के लिए दूसरे चीज़ों को उछाला जा रहा है? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों, कई बार होता है कि पुराने ज़माने के राजा महाराजा हों, चाहे आज के ज़माने के वे लोग जो निर्वाचित नहीं होते, जहाँ निरंकुश शासन है, तानाशाही है, उनको भी कई बार सच के सामने समर्पित होना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। फिर हमारे मुल्क में तो निर्वाचित सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, और वो भी 300 से ज़्यादा सीटें उनको आई हैं। लेकिन दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जो आज हालात हैं, क्या आपको लगता है कि देश की निर्वाचित सरकार, जिसको जनता ने बड़े भरोसे के साथ चुना है, क्या उसके सरोकार, क्या उसके कंसर्न, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ इस देश के उस आवाम के साथ हैं, उसको बचाने की हैं जो
महामारी में दवाई के लिए अपने अपने को कम से कम एक बेड पाने के लिए छटपटा रही है। आप जानते हैं इस वक्त देश में न जाने कितने लेखक, बुद्धिजीवी, स्वयं डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल, कलाकार, आम लोग, मिडिल क्लास के लोग, खाते पीते घरों के लोग तबाह हैं। वो मरने के लिए ऐसा लगता है कि अभिशप्त हैं। तो ये जो एक मृत्यु का बोध पूरे देश की बड़ी आवाम के हिस्से को जिस तरह से हो गया है, क्या इससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? क्या उसको नई स्ट्रेटजी पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या उसकी जितनी स्ट्रेटजी है वो फेल नहीं कर गई है? पहले आपने राज्य सरकारों से कोई मशवरा नहीं किया। इस देश में अखिल भारतीय स्तर का लॉकडाउन स्वयं एक व्यक्ति ने किया और आज आप कह रहे हैं कि राज्य स्वयं सोचें। राज्य जो कर रहे हैं लॉकडाउन उन पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं फिलहाल, लेकिन केंद्र ये कह रहा है कि उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मजदूर पलायित हो रहे हैं। क्या चिंता इस बात की है कि कारखाने चलें ताकि जीडीपी उतनी ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित ना हो, ग्रोथ आपकी प्रभावित ना हो? क्या ये आपका कंसर्न है? तो अगर मजदूरों को उनके कार्यस्थलों पर रखना है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की बात से सहमत हूँ कि मजदूरों को इस वक्त अपने कार्यस्थल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि दुनिया के अन्य जो विकसित और विकासशील देश हैं, जहाँ पर सरकारें जिम्मेदार जवाबदेह हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने मजदूरों के लिए वेतन का भुगतान पूरा किया है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं भारत सरकार प्रति मजदूर 10,000 रुपये का भुगतान करे और इसके साथ जिन मकानों में वो रहते हैं, जिन कमरों में वो रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए मुफ्त किराया कर दिया जाए जब तक कोरोना का ये दंश जारी है और जब तक हमारा शासन, हमारा प्रशासन उनके लिए ये कह रहा है कि वो अपने कार्यस्थल न छोड़ें, अपने घरों की तरफ न जाएं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या उनके लिए हमारी सरकार प्रबंध नहीं कर सकती? आप सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के लिए अग्रिम एक तरह से 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मजदूरों के लिए? बस इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.